सर दोस्तों आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का वीडियो नंबर 4 लेकर के आया हूँ, है ना। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इस क्वेश्चन को जो हम लेकर आए हैं, आपको 6 ट्रिक दे चुका है पहले वीडियो में, आज मैं उसी ट्रिक को है उसी के ट्रिक के अनुसार मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी एसएससी सीजीएल में ईटीसी में पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। रफ कॉपी में, रफ पेज में हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद टिक आउट करते हैं या प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वाट का 52% इजकल टू 182। ये क्वेश्चन है, तो वाट का मैंने एक्स मान लिया, अटा का मतलब गुना होता है, और 52 बाटा प्रतिशत का मतलब होता है 100 इक्वल टू 182। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 52x/100 इक्वल टू 182/1/63 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52x = 18,200 हुआ। इसको काट देंगे तो 350 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 350 आंसर है ना, 350 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80% बराबर कितना। तो 1260 मैंने लिखा, अका का मतलब गुना लिखा, 33.1/3% है ना, चाहे प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो 100 का मतलब 100 लिख दिया, प्लस 755। तो इसमें क्या है कि 755 मैंने लिखा, 755 और का मतलब गुना होता है 80% का मतलब 100 हो गया, है ना, 80/100 हो गया। अब 1260 मैंने लिखा इनटू, इसमें गुना करेंगे, पूर्णांक को भिन्न बदलेंगे तो 100/3 हो गया, बटा में 100 हुआ, प्लस 755/80/100 हो गया, इससे ही कट गया और इससे ही कट गया, कितना हुआ, 420 प्लस इसको इससे काटेंगे, इसको इससे यहाँ पर 5 हो गया, इसको फिर इससे काटेंगे, 15, 75, 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 420, 6 इसको जोड़ेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 होगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे रफ में, तब जाकर के उसका आंसर निकालेंगे, तो हम जल्दी ही रफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझा रहे इसलिए 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 540 का मतलब गुना होता है, मैंने गुना कर दिया, है ना, 75% का मतलब होता है 75/100 कर दिया, फिर क्या है तो क्या का मतलब गुना कर दिया और 1.2/5 मैंने लिख दिया, फिर क्या है तो क्या का मतलब गुना लिख दिया और 2/3 लिख दिया। तो 540 × 75/100 है ना, गुना इसको भिन्न को फ्रैक्शन को सॉरी मिश्र भिन्न को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, समान भिन्न में चेंज करेंगे, यानी कि पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 5 × 5 = 7/5 हो गया, गुना 2/3 हो गया कि नहीं। अब चलिए इसको 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया ना, और यहाँ पर 5 2 से काट देंगे इसको 10 को, और यहाँ पर 15 × 5 = 75 को काटेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा, 5 × 3 = 15 इस 3 से काट दिया, 54 × 7 जब बचा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 28 होगा, 28 × 8 और कैरी कितना रहा, 2 है ना, फिर 7 × 5 से करेंगे तो 5 × 7 = 35 = 237, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, 420 का 36% - 350 का 56% इक्वल टू व्हाट -94। तो 420 का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है 36/100 लिख दिया, है ना, और यहाँ पर माइनस किया 350 का 56/100 इक्वल टू व्हाट के जगह पर मैंने एक्स लिया, -94 कर दिया, है ना। चलिए इसको इस तरह से करेंगे, ब्रैकेट अलग अलग करके इसको करते हैं हल,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर फाइव हुआ, यहाँ पर अठारह हुआ है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, बयालीस गुना अठारह बटा पांच माइनस एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर कितना होगा अट्ठाईस, यहाँ पर होगा पांच, तो इसको काट देंगे कितना हो जाएगा सात है ना। तो अब सात गुना अट्ठाईस हो जाएगा इजिकल टू एक्स माइनस चौरानवे हो गया है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बयालीस में अठारह से मल्टीप्लाई करेंगे सोलह, तैतीस होगा, दो होगा, चार होगा, छ पांच सात, यानी कि सात सौ छप्पन बटा पांच हो गया, सात सौ छप्पन बटा पांच माइनस आठ में सात से करेंगे तो आठ सात छप्पन कैरी फाइव, चौदह पांच उन्नीस हो गया इजिकल टू एक्स माइनस नाइनटी फोर। ठीक है, अब क्या करना है कि एक्स को बाहर लेंगे तो हो जाएगा कितना, सात सौ छप्पन बटा पांच माइनस एक सौ छियानवे प्लस चौरानवे। अब क्या करेंगे एक्स बराबर इसको घटाएंगे तो सात सौ छप्पन बटा पांच माइनस कितना होगा घटाएंगे तो एक सौ छियानवे में से चौरानवे जाएगा कितना होगा दो जीरो एक, एक सौ दो होगा, एक सौ दो मैंने लिखा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका फ्रैक्शन निकालेंगे यानी कि भिन्न का जोड़ हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा फाइव होगा, यहाँ पर सात सौ छप्पन घटाओ दस एक पांच कितना होगा घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो छ होगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो चार होगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो दो होगा बटा पांच, इसमें यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आपके सामने आया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करेंगे, देखेंगे क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, चार सौ बीस का पच्चीस प्रतिशत माइनस वन फोर्टी ऑफ फिफ्टीन परसेंट इक्वल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन है ना। तो इसमें क्या करना है कि चार सौ बीस जो है ना इसको लिख देंगे और का मतलब गुना होता है पच्चीस बटा हंड्रेड हो गया, परसेंट का मतलब हंड्रेड होता है ना, माइनस एक सौ चालीस का मतलब गुना पंद्रह बटा सौ लिख दिया है ना इजिकल टू चौबीस उनचास। ठीक है, इसको इस तरह से क्लोज किया, एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ पर पांडु ने भी दस पचास पच्चीस हुआ कि नहीं हुआ, इसको काटेंगे तो इक्कीस हुआ, इक्कीस गुना पांच माइनस इसको काटेंगे, फिर यहाँ पर पांच तिहाई पंद्रह, अब पांडुनी के दस इसको काटेंगे सात हुआ कि नहीं हुआ, तो सात तरीका इक्कीस हो गया है ना। इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा, पहले ये बताइए घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर वाट प्रतिशत है, पंद्रह नहीं है वाट प्रतिशत है, यहाँ पर वाट प्रतिशत है, क्वेश्चन आपका गलत उत्तर गया था इसलिए सॉरी वाट परसेंट है, चार सौ बीस गुना पच्चीस बटा सौ मैंने लिख दिया माइनस एक सौ चालीस, तो चार सौ बीस गुना पच्चीस बटा सौ परसेंट का मतलब सौ होता है माइनस, इसको क्लोज किया, एक्स का मतलब वाट का मतलब मैंने एक्स रखा हंड्रेड रखा इजकल टू सेवेंटी सेवन रखा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, पचास पच्चीस पांडु ने के दस इससे काटेंगे ट्वेंटी वन होगा, इक्कीस में पांच से गुना करेंगे तो पांच एक पांडु ने के दस एक सौ पांच हो गया माइनस, इसको इससे काटेंगे यहाँ पर हो गया आपका पांच, यहाँ पर हो गया सात, तो कितना हो जाएगा सात एक्स बटा पांच इजकल टू सतहत्तर। अब माइनस सात एक्स बटा पांच को बाहर निकालेंगे तो सतहत्तर के घटाव एक सौ पांच ना होगा, तो माइनस सात एक्स बटा पांच इजिकल टू घटाएंगे तो कितना होगा दो, दो होगा
नहीं, दो नहीं होगा, 105 में से 77 माइनस कर लीजिए, है ना, कितना होगा 8 होगा, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 2 होगा, है ना, यानी कि 28 होगा आपका, 28 होगा, माइनस 28 होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 7x इक्वल टू माइनस 28 गुना 5, तो इससे ही कट गया ना चार बार में, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है 38/42 का मतलब गुना 1/2 प्लस वाट गुना 15/100 इजकल टू 24/49। ठीक है, तो इसको तो हम काटिए देंगे, पहला ही काट देंगे इसको, 1921 प्लस वाट, और इसको काटेंगे 5 × 15 20/25 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको x मानेंगे, वाट को x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x/20 इजकल टू 24/49। अब 3x/20 बाहर निकालेंगे तो 24/49 लिख करके इधर जाएगा तो माइनस में 1921 हो गया। अब 3x/20 इजकल टू घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 होगा, और 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 × 5 = 14 होता है, 5 हो गया, यही होगा। अब यहाँ पर 1 है, 63 गुना करेंगे तो कितना होगा, चाहे इसको काट देंगे, इससे काट देंगे, है ना, तो 3x इजिकल टू 528 गुना 20, यानी कि इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 बचा कितना, 2, 7 × 3 = 21, है ना, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 3 से, 3 × 3 2, 7 × 3 = 21, 1 × 8 = 18, 176 हो जाएगा, है ना, तो x इजिकल टू 176 गुना 20 यानी कि कितना होगा, 6 × 12 = 15 = 30, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नहीं 6 देखते हैं, 6 हो गया, 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 250 का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 14% का मतलब 14/100 हो गया, प्लस 150 का मतलब गुना, आप वाट का मतलब मैंने 1/100 रखा इजकल टू 140, सेम कंडीशन है, इसको इससे काट दीजिए, इसको 7 कीजिए, इसको 5 कीजिए, फिर इसको इससे काट दीजिए, 7 × 5 = 35 हो ही गया ना, प्लस 150, है ना, तो 150 तो 1 × 0 = 1 काट दीजिए, यहाँ पर 5 × 10 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए तो 3x/2 होगा, यानी कि 140 हुआ कि नहीं, अब 3x/2 को बाहर लेंगे तो 140 घटा 35 होगा कि नहीं, 3x/2 इजकल टू कितना में घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 105 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, 3 × 9 5 × 15 है ना, तो कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इस तरह से करेंगे ना, तो क्या होगा, 3x = 105 × 2 होगा कि नहीं होगा, इसको काटेंगे तो 35 × 35 = 70 ना होगा, अब इसमें गुना कर देंगे, इसमें चुपचाप गुना कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया, 70 हुआ। इस तरह से क्वेश्चन 1 में छोड़ रहा हूँ, 8 नंबर है ना, इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, और नहीं सॉल्व हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।